नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कबाब में हड्डी कौन आ गया? मर गया। अभी अभी क्या करेगा? ये सीधा चलता है, ये झुक के चलता है। मर गया। कहिए साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप बहादुर उग्र नारायण ये दर का मैनेजर? अच्छा, तो ऐसा कीजिए, बाहर किसी को भेज कर गाड़ी से हमारा सामान मंगवा दीजिए। सामान उधर ही रहने दो, इधर एक कमरा है, अभी वो खाली नहीं है। ऐसा मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होगा। व्हाट नॉनसेंस, खाली नहीं है, मगर मैंने तो गवर्नमेंट कोटे से 3 दिन पहले ही करवाया था। गवर्नमेंट कोटे से? जी हाँ, मगर लगता है आपने रिश्वत लेकर हमारा कमरा किसी और को दे दिया है। उग्र नारायण जी ये यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और ये इंस्पेक्टर सूर्यवंशी बॉम्बे पुलिस। बाकायदा मैं इसकी इंक्वायरी करवाऊंगा और आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये सब तो बाद में होगा, लेकिन तुमने अगर ये जुर्म किया है तो मैं तुम्हें मारते हुए बंबई तक ले जाऊंगा, समझे आप? देखो साहब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, कोई रिश्वत नहीं खाई है। वो क्या है, उनके ऊपर तरस खा के मैंने कमरा दे दिया है। अच्छे लोग है, बात करेगा तो मेरा मुश्किल समझेगा, कमरा खाली करके देगा। ऐसा मारे मारी करके क्या फायदा? आओ आओ, चल के बात करते हैं ना। आओ भाग के बात करते हैं। देखता हूँ मर गया। आइए। अरे आप कहिए। वो क्या है, बहुत गड़बड़ हो गया है। जिन लोगों ने कमरा बुक किया था ना, वो लोग आ गया है। अभी ऐसा वैसा लोग होता तो हम आपको तकलीफ नहीं देता था ना, लेकिन उनमें से एक जंगल का वो ऑफिसर है। अब समझ में आया इसने हमें कमरा क्यों नहीं दिया। दूसरा पुलिस इंस्पेक्टर तो क्या हुआ, हम लोगों ने पैसे नहीं दिए क्या? बहुत पैसे तो नहीं है, साथ ही तो हमारा नंबर बुक है। आपने हम पर रहम खाकर कमरा नहीं दिया, मैंने आपको आंख मारी थी ऐसे। देखो आप एक शरीफ आदमी को बदनाम करता है, तुम्हारा आंख एक गोला है, वो तो आशा है कि मैं जिंदा हूँ। अभी कुछ नहीं चलेगा, कुछ भी हो या कमरा खाली करना पड़ेगा। तुम एकदम बदमाश लड़की है। तुमने मुझे बदमाश कहा? अरे अरे, देखो साहब, कानून के सामने ये कोरा धमको मारता है। तुम इसी मर गया, आप तो जंगल का ऑफिसर है जो हमारा बात। कैफुल देवी जी, देखिए जिस तरह से भी आपने ये कमरा लिया है, चाहे आंख मार के या कुछ भी करके, मगर इस तरह एक बुक किए हुए कमरे पर कब्जा करना कानून के खिलाफ है। नहीं नहीं, ये कानून की धौंस किसी और को जाके दीजिएगा। मैं भी वकील की बेटी हूँ, आपसे ज्यादा कानून जानती हूँ। जो करना है कर लीजिए, ये कमरा खाली नहीं होगा। चल अंदर। तो बात जिद की है, लगता है ये बच्चियाँ ये नहीं जानती कि ये सारा इलाका आप ही के अंडर में आता है। आप ऑर्डर दीजिए, मैं एक्शन लेता हूँ। जी नहीं टाइगर, लड़कियाँ हैं, रात भी होने वाली है, और फिर यहाँ दूर दूर तक तो कोई रहने का ठिकाना भी नहीं, कहाँ जाएंगे बेचारी। हम तो ऐसे भी घूमने फिरने आए, मौसम का मजा लेते हैं। प्रताप, जब दिन में यहाँ इतनी ठंड है तो जरा सोचो रात को क्या हाल होगा, कहीं इस ज्वाला प्रसाद की जीवन की ज्वाला ही ना बुझ जाए। सर गौर कीजिए इनकी बात पर। सुनिए, सच तो यह है कि गलती हमारी है, हमें माफ कर दीजिए। कल सुबह होते हम अपना कमरा खाली कर देंगे। मगर मैडम जी, हम रात को टेंट साथ में लाए हैं ना ज्वाला। रात भर चीखती चिल्लाती रही कि सुबह हमें कमरा छोड़ना है, और महारानी अब तक सो रही हैं। किरण, ए किरण, उठती है कि नहीं? किरण, ए किरण, अरे इसे तो तेज बुखार है। ओ माय गॉड, अब क्या करेंगे? प्रताप, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आज भी वो खाली करने वाली हैं। क्यों ज्वाला प्रसाद जी? बिल्कुल खाली नहीं करेंगे। चुप है, वादा किया है उसने। वादा तोड़ने के लिए किसी हथौड़े की जरूरत नहीं पड़ती, मामूली सा नाटक ही काफी होता है। और मेरा दिमाग कहता है कि अभी कुछ न कुछ नाटक जरूर होने वाला है। अरे
तुम्हें क्या हो गया? नाटक। नाटक शुरू हो गया। किरण क्या हुआ तुझे? किरण क्या हुआ इन्हें? किरण कैसी बेवकूफ सहेलियां हैं आप, ऐसी हालत में आप इन्हें बाहर क्यों लेके आई? जी ये खुद ही जिद कर रही थी। अब बहस मत कीजिए, ले जाकर इन्हें आग के सामने बैठाइए, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। चलो 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 अरे माफ करना भैया, ये बुढ़ापा भी बड़ी बुरी चीज है। ये हाथ मेरा है। टेढ़ा है? अरे सीधा हाथ है, बोलती है टेढ़ा है, हाथ देखने दो। ये हाथ मेरा है, आप ये हाथ देखिए। मरीज उधर है। अच्छा 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 अच्छा, देखो तो क्या है ये शेर मरीज को। कल रात हमने कमरा नहीं छोड़ा, उसी का बदला ले रहे ना आप? कैसी बातें कर रही हैं आप, यहाँ के सबसे मशहूर डॉक्टर रहे हैं। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ये बहुत अच्छा किया आपने मुझे टाइम से बुला लिया, वरना इनका टाइम तो खत्म हो गया था। नमूनिया हो जाता तो जान बचानी मुश्किल हो जाती है आपको। नहीं नहीं नहीं, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, गोलियाँ दूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी वो। ये गोलियाँ देते रहिएगा, ये 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 गोलियाँ। ऐसा बुखार मुझे भी हुआ था, ऐसे मैं भी बीमार हुआ था, लेकिन मैं बच गया। क्यों बचे थे आप? बच्चे तो हम थे ही, छोटे छोटे बच्चे गली में गोलियाँ खेलते थे। मैं कह रही हूँ क्यों बचे थे आप? मैडम जरा धीरे बोलिए, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, कुछ मुझे हो गया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। देखिए भाई, इसको समझाइए क्या है। ये रही आपकी फीस। ये देखिए, आप 10 रुपए दे रहे हैं, मैं 30 रुपए लेता हूँ, 20 रुपए और दीजिए आप। डॉक्टर साहब पूरे 100 रुपए हैं ये। 100 का नोट है जी? हाँ भाई, नोट तो 100 का है, लेकिन अब मैं छुट्टा कहाँ से लाऊँ? छुट्टा तो मेरे पास है नहीं। ऐसा कीजिए कि आपके पास दूसरी बार मरीज आए या कोई बीमार हो तो मुझे बुला लीजिएगा, हिसाब बराबर कर दूंगा मैं। जी मैं समझ गया। अच्छी बात है। अरे रे, ये क्या कर रहे हैं आप? ये बैग है। अच्छा माफ कीजिएगा, मैं समझा मेरा बैग है। चलो। हाँ सर। अरे मुझे क्या पकड़ते हो, बैग पकड़ो, पकड़ने वाली चीज पकड़ा करो भाई। अब कैसा लग रहा आपको? अब ठीक हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, चलो लड़कियों मुझे भूख लग रही है। आपको हमारी वजह से काफी तकलीफ हुई, फिर भी आप इतनी दूर जाकर डॉक्टर को ले आए, मेरी जान बचाई। बहुत अच्छे इंसान हैं आप। इतनी जल्दी किसी के बारे में राय कायम करना अच्छी बात नहीं है। खैर आप ये बताइए, जब आपकी तबीयत इतनी खराब थी तो आपको बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? आपसे वादा जो किया था। अच्छा हो गया आपको बुखार आ गया। जी मेरा मतलब है आपको बुखार आया, ये पूरी बात है, मगर आपको बुखार नहीं आता और आप चली जाती तो ये और भी बुरा होता। एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो। तुम्हारे इतने करीब आने के बाद भी मैं सिर्फ इतना ही जान पाई हूँ कि तुम्हारा नाम प्रताप है और तुम बॉम्बे में रहते हो। यहाँ से जाने के बाद अगर मैं चाहूँ भी तो तुम्हें ढूंढूंगी कैसे? कौन आते? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। किरण जल्दी कर, जाना नहीं है क्या? बाय प्रताप। बाय बाय। जब भी मिलते हो तो चहकते रहते हो तुम हंसते मुस्कुराते हुए एक खुशगवार इंसान नजर आते हो, लेकिन जब भी तुम्हारी आंखों में देखती हूँ तो यूं लगता है कि तुम अपने आप से ही नाराज हो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्चर्वाहा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न स्तारक्यो आदित्यनेमि, स्वस्ति नोम बृहस्पतिर्दधातु वयः पृथिव्यां पयोपदीति। आओ किरण, चल। प्लीज कार्ड। देखिए कार्ड तो नहीं है मगर। सॉरी आप कार्ड के बिना अंदर नहीं जा सकते। देखिए मेरा नाम। माफ कीजिएगा, बिना कार्ड के अंदर आने की परमिशन नहीं है। मेरा नाम आप चाहे जो भी हो, बिना कार्ड के हम आपको अंदर आने की परमिशन नहीं दे सकते। ओके जरा देखना। आप एक काम कीजिए, अंदर जाके यशवंत कोहली से कहिए कि प्रताप आया है। प्रताप बहुत बड़े आदमी की शादी लग रही है,
तुम्हारा दोस्त है क्या? गेट खोल दो। प्रताप, प्रताप, मेरे भाई। अगर तू इस बार नहीं आता ना, तो मैं उधर आके तेरी सारी फॉरेस्ट ऑफिसर ही निकाल देता। चल, माफ कीजिएगा, हम आपको पहचान नहीं सके। आप अंदर आइए ना, प्लीज प्लीज आइए आइए। आओ भैया, इधर आए। ये हमारे खास मेहमान हैं। भैया, आप आ गए। पगली, तूने सोचा कैसे कि तेरी शादी में मैं नहीं आऊंगा? प्रणाम भाभी। नमस्ते भाभी। आज मैं बहुत खुश हूँ प्रताप, कुसुम की शादी के बहाने इतने दिनों के बाद तुम्हें देखने का मौका तो मिला। आइए जी। किरण, आओ, मिलाता हूँ सबसे। ये मेरी भाभी माँ है। जीती रहो। ये मेरी छोटी भाभी है। नमस्ते। और ये यशवंत भैया है। नमस्ते। ये मेरी छोटी बहन है जिसकी शादी है। प्रताप, तुमने शादी? नहीं नहीं भाभी माँ, आपके आशीर्वाद के बिना ये कैसे हो सकता है। ओह अच्छा, जाओ तुम बड़े भैया से मिल लो, हम किरण से मिल लेते हैं। आओ किरण। की शादी पर भी वक्त पर नहीं पहुंच सकता? ट्रेन की बड़ी बुरी हालत है भैया, टिकट ही नहीं मिल रही थी। ट्रेन के बच्चे, मारूंगा मैं तेरे को, प्लेन में नहीं आ सकता था। यह हमारा लाडला भाई प्रताप है। प्रणाम। जीते रहो बेटा। मुबारक हो। कुसुम, बड़े भैया ने और यशवंत भैया ने तुझे सब कुछ दिया है, मगर मेरी तरफ से ये शिमला की दो टिकटें प्लेन की, वहां एक डाक बंगला है, कुछ दिन वहां जरूर गुजारना। वहां तुझे कुछ और मिले या ना मिले, सुकून बहुत मिलेगा। तो तुम प्रताप को कुछ ही दिनों से जानती हो? जी हाँ भाभी जी, लेकिन लगता है कि सदियों से जानती हूँ उसे। और क्या प्रताप की तरह तुम भी अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही करती हो? नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। आइए। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। वो ये स्वामी जी अपने आश्रम से कभी निकलते ही नहीं। तुम स्वामी जी की भक्त हो? जी मैं नहीं, मेरी माँ। हाँ। नमस्कार स्वामी जी। बहुत बहुत मुबारक हो पीके साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। भैया तुम्हारे कारण ये जोगी को आश्रम छोड़कर सांसारिक काम में आना पड़ा, वरना जोगी का सांसारिक काम से क्या लेन देन। स्वामी जी आपको तो आश्रम में ही रहना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बच्चों को जरा आइए आइए। आयुष्मान, सब पूछ लिया या कुछ बाकी है? नहीं, लेकिन अगर मैं पूछने बैठूंगी तो मेहमानों की देखभाल कौन करेगा? अच्छा तुम यहीं पर बैठो। हाँ मैं आती हूँ। क्या? तुम्हारे भैया तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुम उनसे दूर रहते हो। प्रताप, बड़े भैया ने आपको बुलाया। चलो आता हूँ। लड़के से प्यार करती हो? क्या मतलब?
उस लड़की से जो 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 पीताम्बर कोहली का भाई है। पीताम्बर कोहली स्मगलर, पीताम्बर कोहली खूनी, पीताम्बर कोहली देशद्रोही, वो पीताम्बर कोहली जो जुल्म की दुनिया का बादशाह है। अच्छा, अब समझे कि वो कौन सी दीवार है जो खून का रिश्ता होने के बावजूद भी दोनों भाइयों के बीच इतनी दूरी बनाई हुई है। पिछले 8 सालों से उसने अपने पूरे खानदान से रिश्ता तोड़ रखा है। माँ, उसके बड़े भाई, उनका खानदान, जैसा भी हो, मेरा ताल्लुक तो उनसे है ना माँ? लेकिन उसका ताल्लुक उस खानदान से टूटने के बाद भी रहेगा। खून के रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूटते बेटी। जिस दिन उस घर में बर्बादी की आग लगेगी, उसके शोले प्रताप तक भी पहुंचेंगे। मैं आप लोगों की इज्जत करता हूं, इसलिए मैंने आपके साथ मीटिंग की, आपके प्रपोजल पर गौर किया, लेकिन मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं दे रहा इस काम में मैं आपका साथ दूं। मैं नहीं चाहता कि आने वाली नस्ल की तबाही का कारण मैं बनूं। इसके अलावा मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो मैं तैयार हूं। कोई बात नहीं पीके साहब, कोई बात नहीं, शुक्रिया। भैया, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर आपको इनकार ही करना था तो पहले भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकता था, लेकिन यशवंत, मैं चाहता था कि हमारी बहन कुसुम की शादी अमन और सुकून के साथ हो जाए। भैया, ये लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते थे? यशवंत, मैंने कहा था ना, हमारा पेशा शतरंज के भी साथ है, इन मोहरों को तो हम कुचल सकते हैं, लेकिन अभी तक हम ये पता नहीं लगा पाए कि इनका बादशाह कौन है। स्वामी जी, यह है मेरा बेटा। पांव छुओ, पांव छुओ। आयुष्मान भव। ऐसा कौन सा भयानक कष्ट आ गया है कि मेरे प्रिय भगत चिंतित नजर आ रहे हैं? पर तांडिया, तुम तो अत्यंत क्रोधित मालूम पड़ रहे हो। सगरा गड़बड़ चला स्वामी जी, पीताम्बर कोहली ने हमें मना कर दिया। सर, दिस इज वेरी बैड। स्वामी जी, सर ये गलत बात है। ये पी के अपने आप को समझता क्या है? हाँ, क्या वो गॉड है? जो वो बोलेगा वही होगा? हमने उसको इतनी इज्जत दी और उसने हमारे साथ धोखा किया। आपके कहने पर तो हमने माल भी मंगवा लिया, अब पता नहीं कितने का नुकसान उठाना पड़ेगा। सर, हम लोग मुसीबत में हैं और आप हंस रहे हैं। हंस इसलिए रहा हूं कि मुझे मालूम था कि पीताम्बर कोहली तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाएगा। उसकी बहन की शादी शांति से हो जाए, उसके लिए तो उसने इनकार नहीं किया। आपको जब सब मालूम था तो हम लोगों को वहां पर हाथ मिलाने के लिए भेजा ही क्यों? और जब आप सब जानते थे तो माल मंगवाने की जरूरत ही क्या थी? तो मुझसे सवाल पूछता है, स्वामी से सवाल पूछता है? पागल, मैं तुझे पागल दिखता हूं क्या? स्वामी जी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? मैंने तुम लोगों को वहां हाथ मिलाने के लिए भेजा, तभी तो मुझे पता चला कि पीके का छोटा भाई यशवंत कोहली हमारे काम का आदमी है, उसे हमारे करोड़ों का धंधा समझ में आता है। चुप।
मैंने माल मंगवा लिया है। पीके के साथ मिले या ना मिले, करोड़ों का मामला है, माल आएगा। कोई एक आदमी हमारी तरक्की के रास्ते में पत्थर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। वो कह की धंधा मत करो, हम नहीं करें। एक काम करना होगा, हर शुभ कार्य के पहले जैसे भेंट चढ़ाते हैं, वैसे ही इस शुभ कार्य के पहले भी एक भेंट चढ़ाना होगा। इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, अभी अभी तो तू आया है, कुछ दिन और नहीं रुक सकता? नहीं भैया, वहां बहुत काम है मुझे। ए काम के बच्चे, एक हफ्ता यहाँ पर रुक जाएगा तो वहां की सरकार नहीं बदल जाएगी, कहीं नहीं जाना, समझा? ये नहीं रुकेगा यशवंत, तुझे जाना है तो जा प्रताप, लेकिन मेरी एक बात सुनता जा, तुझे मुझसे जो भी शिकायत है ठीक है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं भैया, शिकायत उस कुर्सी से है जिस पर आप बैठे हैं। एक ही बात है, मैं इस कुर्सी से उतर नहीं सकता और तुम्हारी शिकायत कभी दूर नहीं होगी, तुम्हारे और मेरे बीच की दीवार कभी नहीं गिरेगी। लेकिन कुसुम ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मेनका का क्या कसूर है, और तुम्हारी भाभी ने क्या गुनाह किया है जो तूने इनसे भी रिश्ता तोड़ लिया? 5 साल का अर्सा कोई कम नहीं होता प्रताप, जब से तू इस घर से गया है एक बार कभी पलट कर दिखाए सर। 5 साल मैंने भी 5 सदियों की तरह काटे पड़े भैया, अकेलेपन और तन्हाई का कड़वा जहर पिया है मैंने। ये घर मुझे बुलाता है, यहां की यादें मुझे खींचती हैं, मगर मेरे असूल मेरे आदर्श बेड़िया बनकर मेरे पैरों को जकड़ लेते हैं। मुझे तुझ पे फक्र है प्रताप, मैं तेरे असूलों तेरे आदर्शों की कदर करता हूं, मगर खून का रिश्ता भी तो कोई चीज होती है। साल में कभी एक आध बार मिलने आ जाया करो, कभी कभी तुझे मिलने के लिए, तुझे सीने से लगाने के लिए जी तड़प उठता है मेरा भैया। हेलो। भगवान भला करे उसका। मिल गया, बलि चढ़ाने का पवित्र स्थल भी मिल गया। मगर फोन किसका था स्वामी जी? पीताम्बर कोहली के वफादार का, जो अब गद्दार बन चुका है। स्वामी जी एक बार फिर सोच लीजिए, कहीं हम खुदकुशी तो नहीं कर रहे? पीके शेर है शेर, और शेर को मारना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सत्य कहा तुमने, परंतु तुमने वो कहावत नहीं सुनी, एकता में बड़ा बल है, यदि 10 कुत्ते एक का कर ले तो एक शेर का शिकार जरूर कर सकते हैं। कुत्ता? कुत्ता मतलब? कुत्ता मतलब कुत्ता, डॉग, कुत्ता, डॉग, पपी, डॉबरमैन, तो कुत्ता, ये कुत्ता, ये कुत्ता, सब कुत्ते। मैं थोड़ा बड़ा कुत्ता, आदमी को अपनी असलियत मालूम होनी चाहिए। हम सब कुत्ते मिलकर उस शेर का शिकार जरूर करेंगे, इसलिए कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों में फूल नहीं लगते। पंडित जी। जी साहब। सबको खूब खिलाइए। जी साहब। बेटे कुछ चाहिए तो मांग लेना। हाँ? नमस्ते। नमस्ते। लक्ष्मी जी यहाँ आओ। ये लो। ये क्या? ये हमारी शिमला की टिकटें हैं। आखिर अपने फुर्सत निकल ही ली, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं हम? वहां जाके देखेंगे, दिल लग गया तो जब तक जी चाहे। प्रताप कह रहा था बहुत सुकून है वहां, उसी के साथ चलते हैं। लक्ष्मी बहुत थक गया हूं मैं।
भागो। होने से क्या होता है, वक्त पर एयरपोर्ट भी तो पहुंचना चाहिए। मैंने देर कर दी लक्ष्मी, नहीं, मैंने देर कर दी। प्लेन छूट गया लक्ष्मी, प्लेन छूट गया। आ, 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 आ,